खिरनी कचहरी गांव के रहने वाले अमन कुमार दुबे ने मैट्रिक में 90.7% प्राप्त कर डॉन बॉस्को स्कूल खिरनी व अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। अमन कुमार दुबे ने कुल 600 अंकों की परीक्षा में 544 अंक हासिल किया है। अमन के पिता पारसनाथ दुबे दैंगमुख हाई स्कूल के हेड मास्टर हैं और उनका माँ ज्ञानती देवी भी काफ़ी खुश है। उनके बेटे ने सभी विषय में लेटर मार्क्स हासिल किया है। अमन कुमार दुबे से कृष्णा कुमार वर्मा ने खास बातचीत की, उस बातचीत को सुनाते हैं। स्वागत है आपका असम हेडलाइंस में, और सबसे पहले आपको बधाई देते हैं, आपने इतना अच्छा अंक प्राप्त किया है। जी शुक्रिया बधाई देने के लिए। किस तरह से आप पढ़ाई कर रहे थे? जी मैं रेगुलर स्टडीज करता था, थ्री हाफ आवर्स। उसके बाद मतलब एग्ज़ाम के पहले थोड़ा और मतलब उसको इंक्रीज करता था अपना पढ़ाई को, अपनी पढ़ाई के टाइम को, और ऐसे ही मतलब उसी रेगुलर स्टडीज 4 आवर्स से धीरे धीरे इंक्रीज करते करते जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आया धीरे धीरे उसको इंक्रीज किया मैंने। कितना उम्मीद था आपको नंबर मिलने का? ये उम्मीद तो था 92-93%, लेकिन जितना है मुझे मतलब खुशी है, उससे ही खुशी है, उतना नहीं है लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। आगे, मतलब, आगे क्या बनना चाहते हैं? आगे मेरा सिविल सर्विसेज का एम है। अच्छा, आपका जो पढ़ाई के वक्त तैयारी करने में किन किन लोगों ने मदद की? जी सबसे पहले तो मेरे टीचर्स, जो कि जब से मैं छोटा था तभी से उन लोगों ने मुझे यहाँ तक लाया, उन्हीं लोगों का सबसे ज़्यादा उसमें हाथ है। और फिर से मेरे पापा और मेरा मम्मी, हमेशा उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, और मेरी दीदी, उन लोगों ने भी मुझे बहुत हेल्प किया। और फिर से मेरे फ्रेंड्स, मैं जब भी कोई मतलब कोई सॉल्यूशन से नहीं आता था, वो लोग भी मुझे बहुत हेल्प मतलब किए हैं। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा HM है दोएंगमुख हाई स्कूल के। तो इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है देश भर में और सभी स्कूल कॉलेज भी बंद है, तो इस बार जो मैट्रिक में जो बच्चे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे और किस तरह से पढ़ाई करें कि आपके जैसा वो भी नंबर पा सके? मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस उन्हें यही बोलना चाहूँगा कि अभी तो शायद ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है, उस पर वो रेगुलर फॉलो करते रहे अपने टीचर्स के जो वो लोग बोल रहे जैसे पढ़ने के लिए, और रेगुलर स्टडीज करें। भी तो घर पर ही रहते हैं वो लोग, और ज़्यादा मतलब 5 आवर्स 6 आवर्स जैसे पढ़ सकते हैं, ऐसे मतलब रेगुलर ज़्यादा भी पढ़ने की जरूरत नहीं, 5, 6, 7 धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे और अच्छा उनका परसेंटेज आएगा। और कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? मैं मतलब रेगुलर स्टडीज 3-4 आवर्स से करता था, और मतलब जैसे एग्जाम नज़दीक आया उसको इंक्रीज करते गया डे बाई डे उससे करते थे। हाँ जी धन्यवाद। असम हेडलाइंस न्यूज के लिए कृष्णा कुमार वर्मा की रिपोर्ट। कैसा लग रहा है आपका जो बच्चा ने? बहुत बढ़िया लग रहा है हमको, कितना आपको तो कहीं अच्छा लगना चाहिए जी तक लग रहा है। और कितना उम्मीद था? हमको उम्मीद था 95.6 पाया है ना, 90.7। और खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। किस तरह से पढ़ाई करता था घर में? पढ़ाई तो बढ़िया कर रहा था। आगे वो सिविल सर्विस में जाना, तैयारी करना चाहते हैं आप लोग, किस तरह से? वही मेरा ही विचार है। आपका भी उसी तरह? अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे बाकी बच्चे? और दूसरा मैं एक संदेश यही देना चाहता हूँ कि हर लड़के जो है, हर स्टूडेंट जो है, इसके ही जैसा बने, इससे बच्चा अच्छा मार्क लाए। धन्यवाद।